नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन नव भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के वलसाड़ जिले में दिवाली की रात एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई है और देखते ही देखते आग ने पूरी मिल को अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीर आप देखिए, वलसाड़ के इस पेपर मिल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलती हुई नजर आ रही है। पेपर मिल से आग की ऊँची ऊँची लपटें उठने लगी है और सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंची। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात के वलसाड़ जिले की, जहां पर पेपर मिल में भीषण आग लगी है। और देखिए, कल दिवाली का त्यौहार भी था, तो क्या पटाखों के कारण यहाँ पर आग लगी है, ये बात अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन आग पर काबू पाने के लिए तमाम दमकल कर्मी वहाँ पर लगातार जुटे रहे कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन देखिए, पेपर की मील बताई जा रही है, ऐसे में आग बहुत तेज़ी से फैलती चली गई। और ये तस्वीर देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस फैक्ट्री में कितना नुकसान हुआ होगा। ये जो हादसा हुआ है, रात के तकरीबन 9:05 को कॉल मिला और तुरंत गाड़ियां रवाना की गई और देखे जाने पर हम लोगों ने उसको कंट्रोल काबू में लेने का काम शुरू कर दिया। हालांकि वो काबू नहीं हो पाया तो हमने आसपास से दूसरी गाड़ियों को भी बुला लिया और उसके बाद में रात के 11:15 के करीब हम लोगों ने ब्रिगेड फायर कॉल डिक्लेयर किया है। हालाँकि अभी ये जो कंपनी है, ये पेपर बनाने वाली जो कंपनी है जिसके अंदर पेपर बनाने का मटेरियल था और उसको अभी काम चल ही रहा है, जिसके दौरान पे आप पीछे देख रहे हैं कि ये जो घटना है वो कब हम काबू में कर पाएंगे उसका अभी अंदाज़ा कोई लगाया नहीं पा रहे हैं। और देखिए, देश भर में धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाया गया। राजधानी दिल्ली समेत सभी शहरों में खूब आतिशबाजी भी की गई। पूजा करने के बाद से लोग सड़कों पर आए या फिर अपनी छतों पर पटाखे चलाते हुए नजर आए। देर रात तक कई शहर पटाखे की आवाज से गूंजते भी नजर आए। राजधानी दिल्ली और NCR की बात करें तो यहाँ पर पटाखों की बिक्री पर बैन था, लेकिन दीपावली रात को जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा में आतिशबाजी ने प्रदूषण फैलाया है, उसे देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि राजधानी में खुलेआम नहीं पर गुपचुप तरीके से जमकर पटाखे फोड़े गए और बिक्री भी हुई है। छोटे बच्चों ने फुलझड़ी, अनार और चकली जला करके दीपावली का आनंद लिया तो युवा वर्ग भारी भरकम आवाज वाले पटाखे जलाते हुए नजर आए। वाराणसी की तस्वीर भी जरा आप देखिए, वाराणसी में लोगों ने बड़े उल्लास के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया और घर और इमारतों पर झालर और रंग बिरंगी लाइट्स की सजावट भी की गई। देर रात तक मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, वाराणसी, अमृतसर और साथ ही पश्चिम बंगाल की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कोलकाता की तस्वीर दिखा रहे हैं। और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दिवाली मनाई गई है, क्योंकि हिंदुस्तानी दुनिया भर में रहते हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर UAE में दुबई की है, जहां पर दुबई एक्सपो में दिवाली मनाई गई, जबकि दूसरी न्यूयॉर्क की है। यहां पहली बार दिवाली की थीम वाले एनिमेशन से वन वर्ल्ड ट्रेंड सेंटर का सजाया गया और आतिशबाजी भी की गई। और अब आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुबई के एक्सपो में भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई दी, कई कार्यक्रम में पतंग भी उड़ाई गई है। आपको ये भी बताते चले कि दुबई में भारतीयों की अच्छी खासी तादाद, एक्सपो में भी भारतीयों ने पहुंच करके दिवाली का जश्न मनाया। न्यूयॉर्क में इस बार दिवाली का जश्न कुछ खास था और भारतीय समुदाय ने इस बार न्यू ईयर के सेलिब्रेशन जैसी दिवाली मनाई है। हडसन नदी के दोनों ओर खड़े होकर के लोगों ने आतिशबाजी का आनंद भी लिया। और दिवाली के बाद से प्रदूषण एक बार फिर से अपने सबाब पर पहुंच चुका है। भले ही दिल्ली में पटाखे बेचने पर रोक लगाई गई, बावजूद इसके पोल्यूशन में कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। अभी भी ज्यादातर शहरों का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर के पार है। बीती रात की अगर बात करें तो दिल्ली NCR में हुई आतिशबाजी ने दिल्ली की आबो हवा को और भी बिगाड़ दिया है।
आतिशबाजी खत्म होते ही अब फिजा में जहर घुल चुका है। देर रात तक चली आतिशबाजी की वजह से आज की सुबह धुंध और धुएं से पटी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कई तरह की अपील बावजूद इसके दीपावली पर लोग आतिशबाजी करने से बास नहीं आए। इस वजह से राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है। दिल्ली में कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 400 के पार पहुंच गया, जो बेहद गंभीर हालात की चेतावनी दे रहा है। देर रात तक चले पटाखों के बाद दिल्ली में हर जगह सिर्फ धुंध ही धुंध आपको नजर आएगी। जो लोग सुबह सुबह ऑफिस के लिए रवाना हो रहे हैं उन्होंने अभी से अपनी हेडलाइट गाड़ी की ऑन कर रखी है, क्योंकि विजिबिलिटी नामात्र के बराबर यहाँ पर नजर आ रही है सुबह सुबह। दिवाली की रात है और रोशनी से गुलजार है पूरा शहर, लेकिन इस रोशनी के बीच में कुछ ऐसी हवा भी है जो लोगों के सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से दिवाली की रात प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अभी सफ़र ऐप के जरिए मैं दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 386 है, 386 जो कि वेरी पुअर की कैटेगरी में आता है। वेरी पुअर की जो कैटेगरी होती है वो बहुत खतरनाक होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जिन्हें दमा या श्वास संबंधित बीमारी है। तो जिस तरीके से दिवाली की रात प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि तमाम विशेषज्ञों का भी कहना है कि प्रदूषण के बढ़ने से जो है लोगों के स्वास्थ्य में बड़ी समस्या आती है, और खास करके पोस्ट कोविड के बाद जो मरीज हैं जिनका लंग्स अभी भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है उनके लिए एक बार फिर से ये प्रदूषण बड़ी चुनौती बन के साबित होगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त मैं अक्षरधाम मंदिर के पास में मौजूद हूँ, और देखिए कि आप इस तस्वीर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है, जो दृश्यता जो है वो कितनी कम होती जा रही है, क्योंकि ये प्रदूषण की वजह से स्थिति है। साथ ही साथ जैसे ही दिल्ली के अंदर सर्दी दस्तक देती है तो सर्दी के साथ साथ जो है वो प्रदूषण का स्तर भी खराब होने लगता है। आप देखिए कि अक्षरधाम जो है आम तौर पर जब प्रदूषण नहीं होता इस शहर में तो साफ तौर पर यह मंदिर दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी दृश्यता कमती चली जा रही है, और ये खतरा जो है उन लोगों के लिए ज़रूर बढ़ेगा जिन्हें सांस संबंधित प्रॉब्लम है, क्योंकि तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि हर बार दिवाली के अगले दिन से दमा के जो मरीज होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, उन्हें दवाई की खुराक ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। इसलिए विशेषज्ञों का यह कहना है कि अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद रखें, जहाँ भी उन्हें लगे कि ज़्यादा पॉल्यूशन या ज़्यादा धूल उड़ रहे हैं उस जगह को वो अवॉइड करें। प्रदीप कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। और सिर्फ दिल्ली का ही यह हाल नहीं है बल्कि एनसीआर के ज़्यादातर इलाकों में कुछ इसी तरह के हालात हैं। गाज़ियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, सोनीपत में भी पोल्यूशन से हालात ख़राब हैं। ये नोएडा की तस्वीर ज़रा आप देखिए, हर तरफ आपको धुंध नज़र आएगा, हर तरफ आतिशबाजी कल रात हुई है, ज़बरदस्त तरीके से पटाखे फोड़े गए हैं। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, गाज़ियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, सोनीपत में भी पोल्यूशन का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। और कल बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम जा रहे हैं। केदारनाथ धाम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पांचवा दौरा है, और इससे पहले भी वो चार बार बाबा भोले के द्वार पर आ चुके हैं। पीएम मोदी आज केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। पीएम मोदी आदि शंकराचार्य की समाधि देश को समर्पित करेंगे और उनकी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे पीएम मोदी। तो जिस वक्त पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचेंगे उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आज बेहद खास कार्यक्रम होने हैं केदारनाथ में, और कई करोड़ की योजनाओं की सौगात यहां पर देने वाले हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी खुद करेंगे, और इसी सिलसिले में आज वो केदारनाथ धाम जा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है बल्कि पाँचवीं बार, क्योंकि भोलेनाथ के भक्त हैं प्रधानमंत्री, और ऐसे में जब भी उन्हें मौका और अवसर मिलता है वो केदारनाथ धाम जरूर जाते हैं। आने के बाद पहले भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन के बाद स्थली निरीक्षण करेंगे पूरे, और फिर जो लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम वो होगा। तत्पश्चात वो पूरे देश की जनता को बाबा केदार की भूमि से, जिस केदार के बाबा केदार के वो अनन्य भक्त हैं, वहाँ से पूरे देश को संबोधित करेंगे। और ये कार्यक्रम हमारा लाइव प्रसारण के माध्यम से पूरे देश के जो सभी ज्योतिर्लिंगों पर होगा, सभी बड़े शिवालयों पर होगा, शंकराचार्य जी के चारों मठों पर होगा, उनकी जन्मस्थली पर होगा। उनकी अटूट आस्था है केदार बाबा से, और उनकी इस आस्था का फल माननीय मोदी जी को, जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे,
तो वहाँ यहाँ वो 3 महीने केदार बाबा में रहे थे और उससे एक आशीर्वाद है कि उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बने, एक मजबूत मुख्यमंत्री बने, गुजरात को उन्होंने देश में अव्वल पहुंचाया और वो आज देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 के चुनाव डिक्लेयर होने से पहले भी वो केदार बाबा आए थे, 3 दिन यहाँ रहे। केदार बाबा ने उनको इतना आशीर्वाद दिया कि आज वो 300 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी, फिर वो देश के प्रधानमंत्री बने। और आज माननीय मोदी जी ने जिस तरह इस देश को केदार बाबा के आशीर्वाद से इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए, वो दुनिया के अंदर जिस तरह मान सम्मान उन्होंने आज भारत का बढ़ाया है, वो निश्चित रूप से केदार बाबा का आशीर्वाद उनके साथ है। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये पीएम मोदी का 5वां दौरा है और इससे पहले वो साल 2017 में 2 बार केदार घाटी में हाजिरी लगा चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें साल 2018 और 2019 में भी वो केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना और दर्शन कर चुके हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मई 2017, 18, 2017 और मई 2019 में, यानी कि 4 बार केदारनाथ धाम प्रधानमंत्री जा चुके हैं और ये उनका 5वां दौरा है, 5वीं बार है जब बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पीएम मोदी केदार धाम जाएंगे। और आज बाबा केदार के बड़े भक्त यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर करीब 2 घंटे रहेंगे। पीएम मोदी का ये वो संकल्प है जिसने केदार धाम का कायाकल्प कर दिया। पिछले 7 सालों में आखिर इस धर्म नगरी का पुनर्निर्माण कैसे हुआ और आगे क्या होने वाला है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। मैंने उस समय के सरकार से प्रार्थना की थी कि आप गुजरात सरकार को और गुजरात को केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम दे दीजिए। जैसा देशवासियों का सपना होगा मैं पूरा कर दूंगा। प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया, संकल्प बाबा के दरबार के कायाकल्प का, केदार धाम के पुनर्निर्माण का। इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी जान लगा दी। समय समय पर केदारनाथ में युद्ध स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने भी पहुंचे। पीएम बाबा केदार के दरबार में 4 बार पहुंचे। ये केदार नगरी में नरेंद्र मोदी की अगाध आस्था का ही नतीजा है कि त्रासदी में तबाह हुआ केदार धाम आज पहले से ज्यादा खूबसूरत है। केदारनाथ में कितना काम हुआ है उसका अंदाजा आपको इन 2 तस्वीरों से लग जाएगा। ये त्रासदी के तुरंत बाद की तस्वीर है। सैलाब ने केदारनाथ का क्या हाल किया था उसका प्रमाण है ये तस्वीर। पूरी केदार नगरी तबाह हो गई थी, अगर कुछ था तो वो था बर्बादी का मंजर। तबाही की तस्वीर और वो दर्द जिसकी दवा नजर नहीं आ रही थी, लेकिन 8 साल बाद वो हो गया जिसकी कल्पना आपदा के वक्त किसी ने की भी नहीं थी। केदारनाथ का पूरी तरह से कायाकल्प हो गया और ये संभव हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और जिम्मेदारी ली थी उन्होंने कि इस प्रांगण और पूरी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। प्रांगण पूरा नया बना दिया गया है, पूरा मजबूती के साथ तैयार कर दिया गया है। ये जहाँ हम खड़े हैं तकरीबन पहले बिल्कुल उजाड़ हो चुका था, पूरा उजाड़ हो चुका था, वहाँ तक उजाड़ हो चुका था और पूरा अपने साथ सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गई थी। लेकिन आज की स्थिति देखते हुए लगता है कि जरूर यहाँ पर मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। केदारनाथ में आई त्रासदी से प्रधानमंत्री के मन को कैसी चोट पहुंची होगी उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 80 के दशक में 1.5 महीने तक केदारपुरी में मंदाकिनी नदी के बाईं तरफ गरुड़ चट्टी में उन्होंने लगभग 1.5 महीने तक साधना की थी।
तब वो हर दिन बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचते थे। केदारनाथ से प्रधानमंत्री के लगाव का ही नतीजा है कि बाबा के धाम ने अपनी खोई हुई चमक हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे। 20 अक्टूबर 2017 को जब वो केदारधाम पहुंचे तो उन्होंने पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की 5 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया था। और उसके बाद जब एक साल में नहीं आया तो 13, 14, 15 से लगातार सब कुछ खंडित हो चुका था और बहुत ही भारी व्यवस्था थी यहाँ पर। उसके बावजूद भी यहाँ पर इतना अच्छा प्रांगण बन गया है। पहले बहुत ज्यादा भीड़ भड़का था, बहुत ही कंजेस्टेड था और मुश्किल से 6-7 फीट की गली थी जो 6 फीट कम से कम उसका घेरा था। अब बहुत अच्छा प्रांगण बना दिया गया है। इसके लिए मैं भारतीय प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल उन्होंने का अपना ध्यान पर आज मैंने सुना है कि वो बहुत जल्द आने वाले हैं। 2013 की तबाही को देखकर कौन कह सकता था कि केदारनाथ धाम फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन बाबा की कृपा और प्रधानमंत्री के प्रयास का नतीजा धरातल पर नजर आ रहा है। देख के ना बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा फ्लड आया था, इतनी ज़्यादा ट्रेजिडी थी हुई थी। मतलब आज के टाइम में तो मुझे कोई भी बेसिक नेसेसिटी ऐसी नहीं लगी जिस जो लैक कर रही है यहाँ पे। मतलब एवरीथिंग वाज नाइस और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मतलब जब आप भोलेनाथ के दर्शन करते हैं ना जाके, 16 किलोमीटर की थकान पता नहीं कहाँ चली जाती है। सबको यही कहेंगे कि उनको जरूर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ट्रैक बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, सब कुछ सारी फैसिलिटीज हैं, तो ट्रैकिंग करके ही लोगों को आना चाहिए। की त्रासदी के बाद बाबा केदार धाम के बाद जहां से त्रासदी आई थी, देख सकते हैं उस पहाड़ के पीछे से वो सैलाब आया था, अभी भी उसके निशान मौजूद हैं। लेकिन 2013 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली, लगातार केदारनाथ धाम के उन्होंने आए और उन्होंने सुरक्षा कवच की दीवार बनाने का आदेश दिया। आप देख सकते हैं किस हद तक कितनी तेजी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। पूरे कंक्रीट तरीके से फर्श करा दिए गए हैं जिससे पानी के निकलने की उचित व्यवस्था की गई है उधर से, और ये निश्चित ही एक लाजवाब काम है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो जिम्मा उठाया था वो पूरा करके दिखाया और लगातार अभी भी काम चल रहा है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ, नव भारत, बाबा केदारनाथ धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से केदार धाम का किस तरह कायाकल्प हुआ है उसका एक उदाहरण है श्री आदि शंकराचार्य की ये समाधि स्थल। तबाही में बर्बाद हुए इस समाधि स्थल का भी पुनर्निर्माण हुआ है और आज पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। पीएम मोदी का ये वो सपना साकार हुआ है जिसे उन्होंने 2013 में देखा था। मैं श्रद्धावान आर्किटेक्चर्स के निमंत्रण देता हूं कि ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। ये प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प था, स्वप्न था, जो अब साकार हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों में पुनर्निर्माण की वो कहानी है जिसे पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने खाका खींचा। हम यहाँ इस समय मौजूद हैं बाबा शंकराचार्य की जो मूर्ति की स्थापना है, आप देख सकते हैं कि कैसे मूर्ति की स्थापना हुई। इसी मूर्ति की स्थापना
उनके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा करी जाएगी। आदि शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर से थोड़ा पीछे है। हमेशा से केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि बहुत लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन साल 2013 की आपदा में ये सब तबाह हो गया था। वक्त ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालांकि अब ये फिर से नए रूप में तैयार हो रहा है। इसके लिए पीएम मोदी ने उस वक्त ही कहा था जब उन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात की थी। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य को याद भी किया था। केरल की कालड़ी में जन्मा हुआ एक बालक 7 साल की उम्र में घर छोड़कर के निकल पड़ता है। आज से तो हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी मां भारती का भ्रमण करता है। हर भूभाग की मिट्टी को अपने भाल पे लगाता हुआ, तिलक करता हुआ इस केदार पर पहुंचता है और आखिर जीवन को भी यहीं पर समाहित कर देता है। अब आदि शंकराचार्य की समाधि लगभग तैयार है, पहले से भी दिव्य और सुंदर स्वरूप में। क्या व्यवस्था है? जैसे ये दर्शन के लिए सर जी यहाँ से आएंगे, हाँ। तो यहाँ से अंदर ऊपर से आएंगे, नीचे वाला होते होते रास्ते से यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर दर्शन करेंगे और इस गुफा से सर जी फिर यहाँ से दर्शन करके। अच्छा, मैं ये देख पा रहा हूँ कि पानी के लिए यहाँ पे कुछ आप लोगों ने नीचे भी बनाया है, ये क्या है पूरा इसके बारे में बताइए। जैसे सर जी ये पानी, जैसे जब कहेंगे ना सर जी, हमने ऐसे ही व्यवस्था की है, ये पानी कभी भरेंगे नहीं यहाँ पे सर जी। जैसे पानी ये भरेंगे मोटर के द्वारा खींच के और ऊपर सप्लाई कर दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल को नया रूप और रंग देने का काम कैसे साकार हुआ, ये उनसे सुनिए जिनकी आंखों के सामने पुनर्निर्माण का काम हुआ। और यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि जो की 2013 में 17 तारीख को बह गई थी, फिर बाबा केदारनाथ में उन्होंने मोदी जी ने आदि गुरु शंकराचार्य की जो है यहाँ पे स्थापना करने जा रहे हैं और यहाँ पे मूर्ति भी लाई गई है आदि गुरु शंकराचार्य की, उनका उद्घाटन करेंगी। पीएम मोदी ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण के पहले चरण में शंकराचार्य की समाधि स्थल भव्य और दिव्य बनाने की बात कही थी। नवम्बर 2019 में 3 चरणों में समाधि स्थल का कार्य शुरू हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का वजन 35 टन है। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की ऊंचाई 12 फीट है। इस मूर्ति को कर्नाटक में तैयार किया गया है। मूर्ति को सितंबर 2021 में चिनूक हेलीकॉप्टर से केदारनाथ लाया गया। केदारनाथ और आदि गुरु शंकराचार्य का महत्व बहुत पौराणिक है। केदारनाथ को लेकर कहा जाता है कि केदारनाथ को नई पहचान दिलाने का श्रेय भी आदि शंकराचार्य को भी जाता है। अब आपदा में तबाह हो चुके आदि शंकराचार्य की समाधि को नई पहचान दी गई है और इस पहचान को दिलाने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। केदारनाथ से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। कल बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाने के बाद आज पीएम मोदी केदारनाथ धाम जा रहे हैं। केदारनाथ धाम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5वां दौरा है और इससे पहले भी वो 4 बार बाबा भोले के द्वार जा चुके हैं। पीएम मोदी आज केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना तो करेंगे ही और साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी आदि शंकराचार्य की समाधि देश को समर्पित करेंगे और उनकी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये पीएम मोदी का 5वां दौरा है और इससे पहले वो साल 2017 में 2 बार केदार घाटी में हाजिर लगा चुके हैं और इसके अलावा साल 2018 और 19 में भी वो केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना और दर्शन कर चुके हैं। तो आज बाबा केदार के बड़े भक्त यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम जा रहे हैं। पीएम मोदी यहां पर करीब 2 घंटे रहेंगे। पीएम मोदी का ये वो संकल्प है जिसने केदार धाम का कायाकल्प कर दिया है। पिछले 7 साल में आखिर इस धर्म नगरी का पुनर्निर्माण कैसे हुआ और आगे क्या होने वाला है, हम आपको दिखाते हैं।
मैंने उस समय के सरकार से प्रार्थना की थी कि आप गुजरात सरकार को और गुजरात को केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम दे दीजिए। जैसा देशवासियों का सपना होगा मैं पूरा कर दूंगा। प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया, संकल्प बाबा के दरबार के कायाकल्प का, केदारधाम के पुनर्निर्माण का। इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी जान लगा दी। समय समय पर केदारनाथ में युद्ध स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने भी पहुंचे। पीएम बाबा केदार के दरबार में 4 बार पहुंचे। ये केदार नगरी में नरेंद्र मोदी की अगाध आस्था का ही नतीजा है कि त्रासदी में तबाह हुआ केदार धाम आज पहले से ज्यादा खूबसूरत है। केदारनाथ में कितना काम हुआ है उसका अंदाजा आपको इन 2 तस्वीरों से लग जाएगा। ये त्रासदी के तुरंत बाद की तस्वीर है। सैलाब ने केदारनाथ का क्या हाल किया था उसका प्रमाण है ये तस्वीरें। पूरी केदार नगरी तबाह हो गई थी, अगर कुछ था तो वो था बर्बादी का मंजर। तबाही की तस्वीर और वो दर्द जिसकी दवा नजर नहीं आ रही थी, लेकिन 8 साल बाद वो हो गया जिसकी कल्पना आपदा के वक्त किसी ने की भी नहीं थी। केदारनाथ का पूरी तरह से कायाकल्प हो गया और ये संभव हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और जिम्मेदारी ली थी उन्होंने कि इस प्रांगण और पूरी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। प्रांगण पूरा नया बना दिया गया है, पूरा मजबूती के साथ तैयार कर दिया गया है। ये जहाँ हम खड़े हैं तकरीबन पहले बिल्कुल उजाड़ हो चुका था, पूरा उजाड़ हो चुका था, वहाँ तक उजाड़ हो चुका था और पूरा अपने साथ सैलाब अपने साथ सब कुछ बाहर ले गई थी। लेकिन आज की स्थिति देखते हुए लगता है कि जरूर यहाँ पर मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। केदारनाथ में आई त्रासदी से प्रधानमंत्री के मन को कैसी चोट पहुँची होगी उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 80 के दशक में 1.5 महीने तक केदारपुरी में मंदाकिनी नदी के बाईं तरफ गरुड़ चट्टी में उन्होंने लगभग 1.5 महीने तक साधना की थी। तब वो हर दिन बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचते थे। केदारनाथ से प्रधानमंत्री के लगाव का ही नतीजा है कि बाबा के धाम ने अपनी खोई हुई चमक हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे। 20 अक्टूबर 2017 को जब वो केदारधाम पहुंचे तो उन्होंने पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की 5 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया था। लगातार त्रासदी के पास लगातार उससे पहले भी उसके बाद के 2013 की त्रासदी में नहीं आ पाया था क्योंकि मैं बीच में ही दुर्घटना का और उसके बाद जब 1 साल में नहीं आया तो 13-14 में नहीं आया, 15 से भी लगातार सब कुछ खंडित हो चुका था और बहुत ही भारी व्यवस्था थी यहाँ पर। उसके बावजूद भी यहाँ पर इतना अच्छा प्रांगण बन गया है। पहले बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका था, बहुत ही कंजेस्टेड था और मुश्किल से 6-7 फीट की गली थी जो 6 फीट कम से कम उसके घेरा था। अब वो बहुत अच्छा प्रांगण बना दिया गया है, इसके लिए मैं भारतीय प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल उन्होंने का अपना ध्यान पर आज मैंने सुना है कि वो बहुत जल्द आने वाले हैं। 2013 की तबाही को देखकर कौन कह सकता था कि केदारनाथ धाम फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन बाबा की कृपा और प्रधानमंत्री के प्रयास का नतीजा धरातल पर नजर आ रहा है।
देख के ना बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा फ्लड आया था, इतनी ज़्यादा ट्रेजिडी थी हुई थी। मतलब आज के टाइम में तो मुझे कोई भी बेसिक नेसेसिटी ऐसी नहीं लगी जिस जो लैक कर रही है यहाँ पे। मतलब एवरीथिंग वॉज नाइस और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मतलब जब आप भोलेनाथ के दर्शन करते हैं ना जाके, 16 किलोमीटर की थकान पता नहीं कहाँ चली जाती है। सबको हाँ, यही सब कहेंगे कि उनको जरूर आना हाँ, चाहिए क्योंकि यहाँ पे ट्रैक हाँ, बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, सब कुछ सारी फैसिलिटीज हैं, तो ट्रैकिंग करके ही लोगों को आना चाहिए। ...2013 की त्रासदी के बाद बाबा केदार धाम के वहां जहां से त्रासदी आई थी, देख सकते हैं उस पहाड़ के पीछे से वो सैलाब आया था, अभी भी उसके निशान मौजूद हैं। लेकिन 2013 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली लगातार केदारनाथ धाम के, उन्होंने आए और उन्होंने सुरक्षा कवच की दीवार बनाने का आदेश दिया। आप देख सकते हैं किस हद तक कितनी तेजी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है, पूरे कंक्रीट तरीके से फर्श करा दिए गए हैं जिससे पानी के निकलने की उचित व्यवस्था की गई है उधर से। और ये निश्चित ही एक लाजवाब काम है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो जिम्मा उठाया था वो पूरा करके दिखाया और लगातार अभी भी काम चल रहा है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ, नव भारत, बाबा केदारनाथ धाम। तो केदारधाम का कायाकल्प कोई रातों रात नहीं हुआ है, ये काम इतना आसान भी नहीं था। इस तीर्थ स्थल के पुनर्निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक वृद्ध और विस्तृत प्लान तैयार किया गया बकायदा, और उस प्लान पर लगातार पूरे संकल्प के साथ काम भी किया गया और तब जाकर इसे एक नया और सुंदर रूप प्राप्त हुआ है। जय जय केदार, जय जय केदार, जय जय केदार, जय जय केदार, जय जय बाबा भोले, जय जय बाबा भोले। केदारनाथ में जब आपदा आई और उस समय मैं यहाँ पहुंचा था, दिल में एक कसक थी कि कुछ करना चाहिए। आठ साल पहले की भीषण त्रासदी और फिर शानदार पुनर्निर्माण, ये पीएम मोदी की शिव भक्ति से संकल्प शक्ति का परिणाम है। जिससे पानी के निकलने की उचित व्यवस्था की गई है उधर से, और ये निश्चित ही एक लाजवाब काम है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो जिम्मा उठाया था वो पूरा करके दिखाया और लगातार अभी भी काम चल रहा है। सोलह 17 जून की रात साल 2013, एक झटके में पूरा उत्तराखंड तबाह हो गया था। केदारनाथ में मंदिर को छोड़कर कुछ नहीं बचा, ना सड़क, ना होटल, ना धर्मशाला। लेकिन पिछले 8 साल में केदारनाथ बदल गया है, और इस बदलाव के पीछे की सोच और प्लानिंग सब प्रधानमंत्री मोदी की है। अच्छा, ये 2013 के बाद अगर मैं बात करूं, इतना बड़ा क्या क्या काम हो गए, फौरी तौर पे थोड़ा सा इशारा करके बताइए क्या क्या काम आप लोगों ने पूरे किए हैं 2013 के बाद।
हमारी टीम ने केदारनाथ में रामबाड़ा से केदारनाथ तक आने का रास्ता और रास्ते में 3 हेलीपैड, एक जो केदारनाथ में है और एक केदारनाथ मंदिर के पीछे VIP हेलीपैड है और एक लिंचौली में हेलीपैड है, उसका निर्माण किया और यहाँ पे यात्रियों के आने के लिए रहने की व्यवस्थाएँ और भोजन की व्यवस्थाएँ हमने शुरू में की हैं। उसके बाद यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि का निर्माण हमारे द्वारा किया जा रहा है। सिर्फ बाबा भोले के मंदिर के आसपास ही नहीं, मंदिर तक जाने वाली सड़कें, आसपास की व्यवस्थाएं, साथ ही भोले के भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच से। 6 बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के पास दीवार, मेडिटेशन केंद्र का निर्माण, केदारनाथ में रोशनी की पूरी व्यवस्था, आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण, मंदाकिनी नदी पर एक पुल का निर्माण, ये एक बड़ा कारण है कि तीर्थयात्री फिर से बड़ी संख्या में केदारनाथ पहुंचने लगे हैं। 2018 में 27,81,000 भक्त 4 धाम यात्रा पर गए, कुल 7,32,000 तीर्थयात्रियों ने बाबा के दर्शन किए। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे जो मैंने सुना है पहले, पर अब जब मैं खुद आके देख रहा हूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं जिस पर हम आराम से चल सकते हैं, ठीक है, और मतलब मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। केदारनाथ में निर्माण का कार्य अभी भी चल रहा है लगातार बिना रुके, हर दिन इस जगह को दिव्य और भव्य बनाने की कोशिशें चल रही हैं। 116 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं पर काम, संगम घाट पर 15,48,00,000 का पुनर्विकास, 4,82,00,000 में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 19,99,00,000 में प्रशासनिक कार्यालय, गौरीकुंड में 68,00,000 रुपए में सुरक्षा द्वार, 21,00,00,000 में मंदाकिनी में सीढ़ियों का निर्माण। इसके अलावा और भी कई परियोजनाएं हैं जिसके ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। अभी अगस्त के महीने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके बताया, केदारनाथ में पुनर्निर्माण को लेकर हुई बैठक के दौरान ईशानेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण, मंदिर संरचना और केदारपुरी में आस्था चौक पर ओंकार की भव्य प्रतिमा स्थापित करने पर सहमति बनी। इधर केदारनाथ में हर दिन विकास की रफ्तार को धार दी जा रही है। ये अभी इन 7 सालों में बनी है, ये पैकेजेस जो बने हैं पूरे 7 सालों में बने, ये पूरा बर्बाद हो चुका था, तहस नहस हो चुका था। अब ये जैसा रास्ता देख रहे हैं ये बिल्कुल पक्का बन चुका है, अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। पानी के लिए अलग से रास्ता बना दिया गया है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में अगर त्रासदी जैसी भयंकर कोई घटना होती है तो पानी का रास्ता बिल्कुल साफ है। केदारनाथ के पुनर्निर्माण और विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई सालों से लगे हुए हैं। सिर्फ केदारनाथ ही नहीं बल्कि 4 धाम की यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए विकास मार्ग तैयार किया जा रहा है। 4 धाम सड़क परियोजना के लिए 12,000 करोड़, पीएम मोदी ने साल 2016 में इसकी घोषणा की, 4 लेन से 4 धाम को जोड़ने का प्लान बनाया गया। इसे ना सिर्फ केदारनाथ के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है बल्कि अनुमान है कि इससे 4 धाम में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। काशी विश्वनाथ से लेकर केदारनाथ तक और सोमनाथ से लेकर पशुपतिनाथ तक प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति और आस्था हर किसी को मालूम है। कहते हैं कि शिव के प्रति समर्पण और तप की शक्ति से मिलने वाली ऊर्जा अथाह होती है। 2013 में जो बर्बादी हुई उसके बाद से सुंदर केदारनाथ एक स्वप्न था, अब वो स्वप्न सत्य में तब्दील हो चुका है और जो बाकी है वो जल्द ही सत्य के रूप में सामने होगा और ये तय है कि पीएम मोदी की सोच से आने वाले दिनों में केदारनाथ की तस्वीर और सुंदर होने वाली है। केदारनाथ से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
तो पीएम मोदी के संकल्प से केदार धाम का किस तरह कायाकल्प हुआ है उसका एक उदाहरण है श्री आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल। तबाही में बर्बाद हुए समाधि स्थल का भी पुनर्निर्माण हुआ है। आज पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और पीएम मोदी शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। पीएम मोदी का ये वो सपना साकार हुआ है जिसे उन्होंने 2013 में देखा था। मैं श्रद्धावान आर्किटेक्चर्स के निमंत्रण देता हूं कि ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। ये प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प था, स्वप्न था, जो अब साकार हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों में पुनर्निर्माण की वो कहानी है जिसे पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने खाका खींचा। हम यहाँ इस समय मौजूद हैं बाबा शंकराचार्य की जो मूर्ति की स्थापना है, आप देख सकते हैं कि कैसे मूर्ति की स्थापना हुई। इसी मूर्ति की स्थापना उनके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा करी जाएगी। आदि शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर से थोड़ा पीछे है। हमेशा से केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि बहुत लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन साल 2013 की आपदा में ये सब तबाह हो गया था। वक्त ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालांकि अब ये फिर से नए रूप में तैयार हो रहा है। इसके लिए पीएम मोदी ने उस वक्त ही कहा था जब उन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात की थी। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य को याद भी किया था। केरल की कालडी में जन्मा हुआ एक बालक 7 साल की उम्र में घर छोड़कर के निकल पड़ता है। आज से तो हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी मां भारती का भ्रमण करता है। हर भूभाग की मिट्टी को अपने भाल पे लगाता हुआ, तिलक करता हुआ इस केदार पर पहुंचता है और आखिर जीवन को भी यहीं पर समाहित कर देता है। अब आदि शंकराचार्य की समाधि लगभग तैयार है, पहले से भी दिव्य और सुंदर स्वरूप में। क्या व्यवस्था है? जैसे ये दर्शन के लिए सर जी यहाँ से आएंगे, हाँ। तो यहाँ से अंदर ऊपर से आएंगे, नीचे वाला होते होते रास्ते से यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर दर्शन करेंगे और इस गुफा से सर जी फिर यहाँ से दर्शन करके। अच्छा, मैं ये देख पा रहा हूँ कि पानी के लिए यहाँ पे कुछ आप लोगों ने नीचे भी बनाया है, ये क्या है पूरा इसके बारे में बताइए। जैसे सर जी ये पानी, जैसे जब कहेंगे ना सर जी, हमने ऐसे ही व्यवस्था करा है, ये पानी कभी भरेंगे नहीं यहाँ पे सर जी। जैसे पानी ये भरेंगे मोटर के द्वारा खींच के और ऊपर सप्लाई कर दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल को नया रूप और रंग देने का काम कैसे साकार हुआ, ये उनसे सुनिए जिनकी आंखों के सामने पुनर्निर्माण का काम हुआ। और यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि जो की 2013 में 17 तारीख को बह गई थी, फिर बाबा केदारनाथ में उन्होंने मोदी जी ने आदि गुरु शंकराचार्य की जो है यहाँ पे स्थापना करने जा रहे हैं और यहाँ पे मूर्ति भी लाई गई है आदि गुरु शंकराचार्य की, उनका उद्घाटन करेंगी। पीएम मोदी ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण के पहले चरण में शंकराचार्य की समाधि स्थल भव्य और दिव्य बनाने की बात कही। नवम्बर 2019 में 3 चरणों में समाधि स्थल का कार्य शुरू हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का वजन 35 टन है। आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की ऊंचाई 12 फीट है। इस मूर्ति को कर्नाटक में तैयार किया गया है। मूर्ति को सितंबर 2021 में चिनूक हेलीकॉप्टर से केदारनाथ लाया गया। केदारनाथ और आदि गुरु शंकराचार्य का महत्व बहुत पौराणिक है। केदारनाथ को लेकर कहा जाता है कि केदारनाथ को नई पहचान दिलाने का श्रेय भी आदि शंकराचार्य को भी जाता है। अब आपदा में तबाह हो चुके आदि शंकराचार्य की समाधि को नई पहचान दी गई है और इस पहचान को दिलाने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। केदारनाथ से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
तो देश भर में धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाया गया। राजधानी दिल्ली समेत सभी शहरों में खूब जमकर आतिशबाजी की गई। पूजा करने के बाद से लोग सड़क पर या फिर अपनी अपनी छतों पर पटाखे चलाते हुए नजर आए। देर रात तक कई शहर पटाखों की आवाज से गूंज रहे थे। राजधानी दिल्ली और NCR की अगर बात करें तो यहाँ पर पटाखों की बिक्री पर बैन था, लेकिन बावजूद इसके दीपावली की रात को जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा में आतिशबाजी ने प्रदूषण फैलाया है, उसे देख करके ये जरूर कहा जा सकता है कि राजधानी में खुलेआम ना सही पर गुपचुप तरीके से जमकर पटाखों की बिक्री हुई है। तो छोटे बच्चों ने फुलझड़ी, अनार और चकरी जला करके दीपावली का जश्न मनाया। ये अलग अलग जगहों की आपकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसी के साथ सुबह सुबह न्यूज़ उदय में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।